नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ एवं खुश होंगे। हाजिर हूँ मैं जिम कॉर्बेट की एक और बहुत ही एक्साइटिंग मैनीटर टाइगर हंटिंग स्टोरी के साथ। यह मैनीटर टाइगर जिम कॉर्बेट के टाइगर हंटिंग करियर का सबसे लास्ट मैनीटर था जिसे कॉर्बेट ने मारा था। दोस्तों, इस स्टोरी में पहले भी अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन उस वीडियो में मैंने बैकग्राउंड में एक म्यूजिक डाल दिया था और अनफॉर्चुनेटली उसकी आवाज़ स्लाइटली ज़्यादा हो गई थी, तो बहुत सारे लोगों की कंप्लेन आई, शिकायत आई कि ये म्यूजिक बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग लग रहा है और पूरी कहानी का मजा ख़राब कर रहा है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब वीडियो बनाऊँगा, इसे अलग अलग पार्ट्स में बनाऊँगा, क्योंकि यह स्टोरी बहुत लंबी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस स्टोरी के अंदर जो छोटी छोटी और स्टोरीज हैं वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो लिहाजा इसके मल्टीपल पार्ट्स बना के मैं बैकग्राउंड में कोई भी म्यूजिक नहीं डाल रहा हूँ और एक नेचुरल फॉर्म में इसे अपलोड करूँगा। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। तो दोस्तों, बात है सितंबर 1938 की, कोटकिंद्री गाँव की। ये कोटकिंद्री वही गांव है जिसका जिक्र मैंने चूका मैनीटर स्टोरी में भी किया है। ये जो चार गांव हैं, चूका, सिम, कोटकिंद्री और टाक, ये लगभग साथ साथ हैं सारे गांव। और इन इलाकों में जो भी मैनीटर हुआ, चाहे वो टाक मैनीटर था या चूका मैनीटर, उससे ऐसा नहीं था कि कोई एक गांव ग्रसित था। इन चारों गांवों में उसका प्रकोप था। नाम दिया गया है चूका मैनीटर, टाक मैनीटर, वो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए दिया गया है, नहीं तो इन चारों गांवों में इस मैनीटर टाइगर की दहशत लगभग एक समान थी। सितंबर 1938 की बात है, कोटकिंद्री गांव में एक 12-13 साल की लड़की गांव के सामने ही एक आम के पेड़ के नीचे हवा से गिरे हुए कुछ आम के दानों को उठा रही थी। गांव के और लोग भी थे आसपास, तो अचानक एक टाइगर आया और उसने उस लड़की पर हमला किया और उसे मुंह में दबाया और जंगल में चला गया। यह सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि गांव के लोगों को रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं मिला, और जब तक उन्हें यह रियलाइज हुआ कि लड़की को टाइगर ले गया, तब तक वो आंखों से ओझल हो चुका था। उसको फॉलो अप करने की कोई कोशिश नहीं की, और यह इन्फॉर्मेशन स्टीवर्ड डोनाल्ड के थ्रू कॉर्बेट तक पहुंची। उसने कॉर्बेट को लेटर लिखा था इस बारे में, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफिशियल था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, तो उसका इंटरेस्ट कुछ और था। उस इलाके में जंगल में पेड़ों को काटने के लिए मार्क कर दिया था गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस व्यक्ति का डर ये था, स्टीवर्ड का, कि अगर इस मैनीटर को जल्दी मारा नहीं गया तो जो नवंबर दिसंबर से पेड़ों को काटने का काम शुरू होने वाला है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को लेबरर्स नहीं मिल पाएंगे। कॉर्बेट ने यह लेटर देखा तो कॉर्बेट का कहना है कि वो वहाँ इस मैनीटर को मारने के लिए गए थे, इसलिए नहीं कि वो कॉन्ट्रैक्टर के पैसे बचाना चाह रहे थे या कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्ट्रैक्ट बचाना चाह रहे थे, बल्कि जो लोकल वहाँ के लोग हैं, वहाँ आसपास के गांव के लोग हैं, उनकी जान बचाना या उनको इस मुसीबत से निजात दिलाने के लिए वो गए हुए थे। तो वहाँ जाने का जो सीधा सा रास्ता था वो था काठगोदाम से ट्रेन से टनकपुर जाना, और टनकपुर से पैदल कालाढूंगा और चूका होते हुए कोटकिंद्री। लेकिन कॉर्बेट कहते हैं कि ये रास्ता एक ऐसी जगह से होते हुए जाता था जहाँ मलेरिया बड़े भयंकर रूप में फैला हुआ था, यानी कि नॉर्थ इंडिया में सबसे खतरनाक मलेरिया बीमारी की यह बेल्ट थी, इसलिए कॉर्बेट उसे अवॉइड करना चाह रहे थे।
इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वो दूसरे रास्ते से जाएंगे, जो कि पैदल रास्ता था, पहाड़ी में चढ़ के फिर घाटी में उतरना था, फिर पहाड़ी में चढ़ना था। इस तरह उन्हें बहुत लंबी एरिया को कवर करना था। तो बहरहाल उनकी प्रिपरेशंस चल रही थी वहां जाने की, तो इसी बीच एक दूसरी खबर आई, जो सिम गांव है, जो कि लद्दिया और शारदा रिवर का जो संगम है उसके पास में है, वहां पर एक महिला को एक मैनिटर टाइगर ने मार दिया था। वो महिला अपने मकान के पास के खेतों में, जो जो दो खेत थे उनके, उन खेतों के बीच में जो एरिया था उसमें अपने मवेशियों के लिए घास काट रही थी। उसने दूर के एरिया से घास काटना शुरू किया और काटते काटते वो घर के पास में पहुंची थी, तो उसी समय टाइगर ने उस पर अटैक कर दिया। उसका बेटा कुछ ही दूर खड़ा था, लेकिन इस टाइगर के अटैक से वो इतना डर गया कि कुछ कर नहीं पाया और टाइगर इस महिला को लेके जंगल में चला गया। उसके बाद उस व्यक्ति ने, जो कि उस गांव का हेडमैन भी था, उसने पटवारी से इसकी कंप्लेन की। तो दो दिन बाद पटवारी करीब 70-80 लोगों को लेके आया और उस जंगल में उन्होंने उस महिला की खोजबीन की। तो जहाँ पर उस महिला का मकान था उससे कुछ ही दूरी जंगल में उस टाइगर ने महिला को खाया था और वहाँ पर उसके कुछ हड्डियाँ और कुछ कपड़े मिले। इसके बाद यह घटना की खबर नैनीताल पहुँच गई। उसमें जो पूरे कुमाऊं के डिप्टी कमिश्नर थे, नैनीताल, अल्मोड़ा और गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के आईबटसन, वो कॉर्बेट के अच्छे जानने वाले थे, उनसे अच्छा परिचय था कॉर्बेट का, एक तरह से दोस्ती थी। तो दोनों ने मिलकर एक मीटिंग की, काउंसिल ऑफ वॉर। आईबटसन को अस्कोट जाना था बागेश्वर होते हुए, कोई लैंड का डिस्प्यूट था उसे सुलझाने के लिए। तो दोनों की जब मीटिंग हुई तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि आईबटसन बागेश्वर से होते हुए वहाँ नहीं जाएंगे, बल्कि कॉर्बेट के साथ इस जगह आएंगे कोट केंद्री, और वहाँ कुछ टाइम बिताएंगे, उसके बाद वहाँ से अस्कोट चले जाएंगे। तो 12 तारीख को, 12 अक्टूबर को नैनीताल से आईबटसन चले और अगले दिन चोर गलिया में कॉर्बेट ने उनको ज्वाइन किया। चोर गलिया हल्द्वानी के पास में एक जगह है, जो गौला नदी बहती है हल्द्वानी में, उसके एक तरफ तो हल्द्वानी शहर है, दूसरी तरफ जिसे गौला पार कहते हैं, वहीं थोड़ी दूर आगे जाके चोर गलिया है। तो इस मलेरिया वाली बेल्ट को अवॉइड करने के लिए कॉर्बेट और आईबटसन ने नंदौर घाटी का रास्ता चुना। नंदौर से होते हुए कई पहाड़ियों को चढ़ते हुए वो लद्दिया रिवर के पास में पहुँचे। उसके बाद उस नदी के किनारे किनारे होते हुए वो चलती पहुँचे। वहाँ भी उन्होंने एक अपना कैंप लगाया। उसके अलावा दुर्गा पीपल भी वो पहुँचे थे। और इस प्रकार वो चलते हुए करीब 10 दिन बाद सिम गांव में पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपना कैंप लगाया उस जगह पर जहाँ पर महिला को टाइगर ने मारा था, उससे करीब 200 गज की दूरी पर और संगम से करीब 100 गज की दूरी पर उन्होंने नदी के किनारे अपना कैंप लगाया। दूसरे दिन सुबह जब आईबटसन वहाँ के लोगों को, गांव के हेडमैन, गांव के लोग, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, उन सब का इंटरव्यू ले रहे थे या उनसे जानकारी हासिल कर रहे थे मैनिटर के बारे में, तो कॉर्बेट टाइगर के पग मार्क्स को ढूंढने के लिए निकल पड़े। क्योंकि वो नदी थी वहाँ पर लद्दिया रिवर, उसके दोनों तरफ रेत था,
तो कॉर्बेट को यह उम्मीद थी कि हो न हो टाइगर ने इस नदी को क्रॉस किया होगा। इस बीच तो उन्हें कुछ जानकारी पग मार्क्स के माध्यम से मिल जाएगी। तो इस उम्मीद में कॉर्बेट निकले वहाँ और उन्हें नदी के किनारे रेत पर एक टाइग्रेस और एक मेल टाइगर जो कि यंग था उसके पैरों के निशान मिले। तो कॉर्बेट ने अंदाज लगाया कि पिछले अप्रैल में जब वो चूका मैनिटर को मारने के अभियान में यहाँ थे इसी इलाके में, तब तो उन्होंने जंगल में एक टाइग्रेस को देखा था अपने दो कब्स के साथ। शायद यह वही टाइग्रेस है जो बाद में मैनिटर बन गई। उस समय कॉर्बेट को यह आशंका थी कि शायद मैनिटर इसलिए बन गई क्योंकि उस टाइम यह चूका मैनिटर के साथ थी पिछले मेटिंग सीजन में, और उस समय चूका मैनिटर के साथ इसने ह्यूमन फ्लैश खा लिया, और चूंकि उसके साथ रहने में इसे कंटिन्यूअस मनुष्य का मांस मिल रहा था खाने को, तो उसके मरने के बाद शायद यह मैनिटर बन गई। कॉर्बेट कहते हैं कि उन्होंने उस समय यह माना लेकिन बाद में उनका यह अनुमान गलत निकला। बहरहाल कॉर्बेट वापस आया और उन्होंने नैनीताल से चलने से पहले टनकपुर के तहसीलदार को लेटर लिखा था कि उनके लिए कुछ यंग बफेलो काप्स का इंतजाम किया जाए जिन्हें वो एज ए बेट इस्तेमाल करेंगे। तो तहसीलदार ने चार बफेलो काफ का इंतजाम किया था जिनमें से एक रास्ते में मर गया था, तीन वहां पहुंचे, लेकिन वहां ऑलरेडी एक बफेलो काफ अवेलेबल था जिसे एक अंग्रेज थे वर्डेल जो इस्तेमाल कर रहे थे वहां कई दिनों से कॉर्बेट और आइवर्सन के पहुंचने से पहले से। तो इस बफेलो काफ का इंतजाम किया था मैकडोनाल्ड ने। तो अब इसी को मिला के उनके पास चार बफेलो काफ हो गए जिनको एज ए बेट इस्तेमाल करना चाह रहे थे। तो उन्होंने जंगल में उन रास्तों में जहाँ पर उन्हें आशंका थी, टाग गांव के पास में, कोट किंद्री के पास, सिम गांव के पास और चुका के पास, इन बफेलो काप्स को बांधना शुरू किया। हालांकि गांव के लोगों ने, पटवारी ने, फॉरेस्ट गार्ड ने, सब ने उनको बताया कि यह एक यूजलेस प्रैक्टिस है, इससे उनको कुछ हासिल नहीं होगा। उनका कहना यह था कि अगर टाइगर को, मैनिटर को, इन बफेलो काफ को ही मारना होता तो यहाँ बहुत सारे अवेलेबल हैं, जंगल में हमारे मवेशी जाते हैं, उन मवेशियों को यह टाइगर मारता नहीं है। फिर भी कॉर्बेट और आइवर्सन ने यह प्रैक्टिस जारी रखी और बेट्स को बांधना जारी रखा। तो अगले दिन कॉर्बेट बेट्स की जानकारी लेने के लिए निकले सुबह। तो जब वो चुका गांव में पहुंचे तो उन्होंने देखा चुका गांव के लोग बहुत एक्साइटेड हैं। कल रात को टाइगर वहां आया था। गांव के कुछ लोग जो कल्टीवेटेड लैंड हैं वहां सोए हुए थे और पास में उनके जानवर भी थे, और जानवरों ने टाइगर को देख लिया जिसकी वजह से ये लोग भी जाग गए। और टाइगर चुका से होते हुए आगे निकला और कोट किंद्री चला गया चढ़ाई में। कॉर्बेट ने उसके पग मार्क्स को फॉलो किया और उनका कहना है कि टाइग्रेस उनके बेट्स के बहुत पास से होते हुए गई लेकिन बेट्स को उसने टच नहीं किया। इवन कोट किंद्री के पास में जो उनने बेट्स बांधे थे उनके पास से होते हुए भी ये निकल गई। इस प्रकार जगह जगह भेंट बांध के ये लोग एक रूटीन बना रखा था कि सुबह जाके उन्हें चेक करना, शाम को जाके उन्हें चेक करना, उसके अलावा जो लदिया रिवर है उसके आसपास देखना कि कहीं टाइग्रस ने रिवर क्रॉस तो नहीं कर रखी है। तो 27 के सुबह को कॉर्बेट और आइवर्सन ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो
दो लोग टाक गांव से उनके पास आए, जिनमें एक का नाम तिवारी था। उन्होंने उन्हें बताया कि कल दिन में उनके गांव का एक व्यक्ति, जो कि अपनी वाइफ को बता के गया था कि वो अपने जानवरों को जंगल में जाने से रोकेगा और उन्हें वापस हाँक के लाने वाला है, यह बता के गया और फिर वापस नहीं आया। उन्हें आशंका है कि मैनीटर ने उसे मार दिया है। तो इन लोगों ने फटाफट अपनी प्रिपरेशन की और उनके साथ चल पड़े। ताहक गांव वहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं था, दूरी सिर्फ 2 मील की थी, लेकिन खड़ी चढ़ाई थी। लिहाजा उन्हें चढ़ाई चढ़ने में टाइम लग रहा था। और कॉर्बेट कहते हैं कि जब वो ताहक गांव के पास कल्टीवेटेड लैंड में पहुंचे, जहां पर गांव के लोग इकट्ठा हुए थे, वहां पहुंचने में उनकी सांसें फूल गई और पसीने से तरबतर हो गए। वहां पर जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा एक महिला रो रही है बेताशा, जो कि उस व्यक्ति की वाइफ थी जिसे जो गायब हो गया था। वहां गांव के लोगों का कहना था कि उन्हें गांव से कुछ दूरी पर कुछ सफेद रंग की चीज दिखाई दे रही थी और उन्हें लग रहा था कि यह उस व्यक्ति के कपड़े हैं जो गायब हो। तो कॉर्बेट और एवर्टसन ने निश्चय किया कि वो इन्वेस्टिगेशन के लिए जाएंगे। तो ये 3 जने, कॉर्बेट, एवर्टसन और तिवारी, वहां चल पड़े यह फाइंड आउट करने के लिए कि वो व्हाइट चीज क्या गिरी है। और मीन टाइम मिसेज एवर्टसन ने गांव के सारे लोगों को वापस गांव में ले आए। तो जब ये लोग वहां पहुंचे, जो सफेद रंग की चीज इन्हें गांव से दिखाई दे रही थी, तो वहां पहुंच के उन्होंने पाया कि यह उस व्यक्ति की धोती थी और पास में उसकी टोपी भी गिरी हुई थी और वहां पर कुछ स्ट्रगल के निशान पड़े हुए थे। तो जहां पर ये लोग खड़े थे, जहां पर यह स्ट्रगल हुआ था, वहां से कुछ दूरी पर एक झाड़ियों का झुरमुट था। तो कॉर्बेट कहते हैं कि वो इससे पहले कि ड्रग मार्ग को फॉलो करें, यह आवश्यक था कि इस झुरमुट को छान लिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि टाइग्रेस इसके अंदर छुपी हुई हो और वो लोग दूसरी दिशा में चले जाएं टाइग्रेस की खोज में और टाइग्रेस उनके पीछे आ जाए। तो ये लोग केयरफुली उस जगह को छानने लगे, तो वहाँ झाड़ी के अंदर उन्हें टाइगर्स के पैरों के निशान मिले और उन्हें वो जगह भी मिल गई जहाँ पर इस व्यक्ति पर अटैक करने से पहले टाइगर्स छुपी हुई थी। अब इसके बाद इन्होंने ड्रैग मार्क को फॉलो करना शुरू किया। इन्होंने एक प्लान बनाया जिसके तहत सबसे आगे कॉर्बेट थे, उनका काम था आगे नजर रखना और दाएं बाएं नजर रखना। उनसे कुछ फिट दूरी पे तिवारी था, जिसका काम था दाहिने और बाएं दोनों तरफ शार्प नजर रखना। और सबसे पीछे एवर्टसन थे, जिनका काम था पीछे की तरफ और दाएं बाएं दोनों तरफ नजर रखना। इस तरह ये लोग आगे चलते रहे। कोई क्लियर ड्रैग मार्क तो बने नहीं थे और वहां पर खून भी कहीं गिरा हुआ नहीं था, जो इस बात का संकेत था कि टाइग्रेस ने अपना पहला होड़ छोड़ा नहीं था अभी तक। उन्हें जगह जगह कहीं पर पत्ते दबे हुए दिखाई दे रहे थे, कहीं पर घास दबी हुई दिखाई दे रही थी, जिसे वो ड्रैग मार्क, जिसकी निशानदेही के बल पर वो आगे बढ़ रहे थे। आगे बढ़ते हुए वो एक जगह पर पहुंचे जहां पर काफी खून गिरा हुआ था। उससे उन्हें यह पता चला कि टाइग्रेस ने इस व्यक्ति को मारा, मारने के बाद एक जगह पे उसे छोड़ दिया और उसके बाद टाइग्रेस वहां से चले गई। और उसके करीब 1-2 घंटे बाद फिर वो वापस आके इस व्यक्ति को लेके गई। ऐसा प्रोबेबली इसलिए हुआ होगा क्योंकि
उस व्यक्ति को मारते हुए उसके मवेशियों ने देख लिया होगा टाइग्रेस को, और उन्होंने शायद उस पर हमला कर दिया और उसे भगा दिया उस। ऐसा अक्सर होता है जंगल में। तो बहरहाल अब टाइग्रेस उस व्यक्ति को लेके गई, उसकी लाश को लेके गई, और क्योंकि बहुत देर बाद लेके गई थी, उस व्यक्ति का जो खून बहना था वो बह चुका था। इसके आगे भी उनके पास ब्लड ट्रेल नहीं थी, और बड़ी मुश्किल से उस जमीन में उन्हें निशान मिल रहे थे। बहरहाल वो बहुत केयरफुली आगे चलते रहे। आगे चलने के बाद उन्हें एक जगह पे एक बहुत बड़ी पत्थर की स्लैब दिखाई दी। कॉर्बेट को ये लगा कि हुनहुई स्लैब के दूसरी तरफ, जो कि एक एक तरह से ओवरहैंगिंग बना हुआ है ये, और दूसरी तरफ इसका एक छोटा सा फ्लैट फील्ड है, हुनहु वहाँ टाइग्रेस बैठी होगी, क्योंकि टाइग्रेस यहाँ से जिस हिसाब से गई है यही एक ऐसी जगह है जो टाइग्रेस के लिए सिक्योर है, जहाँ पर वो आराम से खा भी सकती है और आराम भी कर सकती है। तो कॉर्बेट ने निश्चय किया कि वो इस जगह को स्टॉक अकेले करेंगे। वो रबर सोल वाले जूते पहने हुए थे, आइवर्टसन भी वही पहने थे, और तिवारी नंगे पैर था। कुछ दूर वो आगे चलने के बाद कॉर्बेट ने इन दोनों अपने साथियों को इशारा किया कि वो वहां पर रुक जाएं, अब वो अकेले आगे जाएं। कॉर्बेट बहुत केयरफुली उस रॉक में चलने लगे। वो 100% श्योर थे कि इसकी दूसरी तरफ टाइग्रेस होगी, लिहाजा जितनी ज्यादा केयर वो ले सकते थे उतनी केयर ले रहे थे और बहुत सुनसानी आगे बढ़ रहे थे। जब वो ओवर हैंगिंग रॉक के सिरे से 1-2 फीट पहले पहुंचे थे, 1-2 फीट दूर थे, तो उन्हें अपनी पहाड़ी साइड में एक मूवमेंट दिखाई दी। उन्होंने जब वहाँ देखा तो उन्हें एक गोल्डन रंग की एक रॉड सी दिखाई दी, जो पहले उठी और फिर नीचे चली गई। उसके बाद कुछ और मूवमेंट उस तरफ हुआ, और कुछ ही देर में उन्होंने सुना कि उनके सामने की तरफ एक पेड़ पे एक लंगूर बैठा है, वो अपनी अलार्म कॉल देने लगी। जाहिर था टाइग्रेस ने कॉर्बेट को देख लिया था इससे पहले कि कॉर्बेट उसे देख पाते। कॉर्बेट कहते हैं कि उसने केयरफुली इस जगह को सेलेक्ट ही किया था टाइग्रेस ने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सोई नहीं थी। जैसा कि उन्हें लग रहा था कि वो अपना खाना खाने के बाद आराम कर रही होगी, नींद में होगी, तो उन्हें एक इजी शॉट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सोई नहीं थी। और वो कॉर्बेट को देखते ही चुपचाप वहां से चले गई। कॉर्बेट कहते हैं कि ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग था कि इतना केयरफुली जो उन्होंने स्टॉक अरेंज किया था वो लास्ट मोमेंट पे फेल हो गया था। अब कोई चारा नहीं था। वो कहते हैं कि जिस इलाके में अभी टाइगर्स गई हुई थी वो करीब 40 स्क्वायर यार्ड का इलाका था, और वहां से अगर वो बाहर निकलेगी तो लंगूर जरूर उसे देख लेगा, और बिना उसके देखे वो वहां से निकल नहीं सकती है। अब चूंकि टाइग्रेस वहां से चले गई थी, तो उन्होंने निश्चय किया कि वो उस किल को ढूंढूंगी। टाइग्रेस ने वहीं लाके अपना शिकार खाया था, तो इन तीनों ने मिलके किल को ढूंढना शुरू किया, और उस ओवर हैंगिंग रॉक से करीब 50 गज की दूरी पर उन्हें किल मिल गया। उसकी बॉडी का कुछ पार्ट खाया हुआ था। कॉर्बेट कहते हैं कि मैंने अपने 32 साल के जीवन में इस तरह के बहुत सारे सीन देखे हुए हैं, और उन्हें देख के तो ये लगता था कि उनकी बॉडी को देखने के बजाय या उसे इकट्ठा करके शमशान घाट ले जाने के बजाय उसे छोड़ दिया जाए शिकारी के लिए। और जब वह शिकार मिल गया, हालांकि उस पर कुछ मांस बचा हुआ था और
टाइग्रेस वापस आ भी सकती थी, लेकिन कोई भी टाइगर या टाइग्रेस जिस पर शिकार के ऊपर बैठ के मचान से फायर किया गया हो और वो घायल हो गई हो, वो दोबारा शिकार पर वापस नहीं आएगी। इसलिए इस टाइग्रेस के शिकार पर वापस आने के चांसेस बहुत कम थे। लेकिन 1 मिलियन में अगर एक चांस भी था तो उसे वो खोना नहीं चाहते थे। लिहाजा उन्होंने प्लान बनाया कि उसके पास में एक पेड़ में वो मचान बनाएंगे और यहाँ बैठेंगे। लेकिन अगर वो मचान बनाने के लिए, रस्सी लाने के लिए अपने कैंप चले गए तो इस बीच हो सकता है टाइग्रेस आके इस किल को लेके चले जाए। तो उन्होंने निश्चय किया कि उनमें से एक व्यक्ति वहां पर बैठेगा और 2 जने कैंप में लौटेंगे। तो कॉर्बेट वहां पे बैठे और एबर्टसन और तिवारी वहां से कैंप की ओर चल पड़े, वहां से मचान बनाने के लिए जो भी सामान उन्हें जरूरत थी उसे लाने के लिए। तो जब एबर्टसन और तिवारी निकले तो इसी बीच कॉर्बेट भी एक पेड़ में चढ़ गए जो कि उस मरे हुए व्यक्ति के पास में ही था। उनको गए हुए कुछ ही देर हुए थे तो कॉर्बेट कहते हैं कि उन्होंने एक पत्थर की आवाज सुनी। पत्थर की इस तरह की आवाज थी कि जैसे किसी एक भारी जानवर ने उस पत्थर पे पैर रख दिया हो और पत्थर एक तरफ झुक गया, और जैसे जानवर को यह आभास हुआ कि पत्थर लुढ़कने वाला हो उसने पैर को हटा दिया वहां से, यानी कि पत्थर पहले एक जगह से उठा और फिर वहीं बैठ गया। तो यह आवाज उन्होंने सुनी और वो आवाज उनकी बाईं तरफ से करीब 20 गज की दूरी से आई थी। कॉर्बेट कहते हैं कि वो एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर सकते हैं कि कहां से वो आवाज आ रही थी और वो बिल्कुल फोकस होके उसी तरफ देख रहे थे। क्या टेंशन जब बढ़ता जा रहा था उनके मन में, तो फिर कुछ ही देर बाद उन्होंने अपने से कुछ ऊंचाई पर एक लकड़ी के टूटने की आवाज सुनी। तो क्या इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि टाइगर जंगल में कैसे चलता है? क्या अभी जो पहले की आवाज आई थी वो आवाज कहां से आई थी मुझे पता था, फिर भी टाइग्रेस आई, उसने मुझे देखा, कुछ देर वो वहां पर खड़ी रही और चुपचाप वहां से चली गई और मुझे कहीं भी उसका एक बाल तक नहीं दिखाई दिया। तो बहरहाल कॉर्बेट वेट करते रहे। कुछ देर बाद एबर्टसन तिवारी को लेके आ गए वापस। कॉर्बेट कहते हैं कि उन्होंने जंगल में जिन भी लोगों के साथ शिकार किया है उसमें शायद एबर्टसन सबसे अच्छे व्यक्ति थे। कहे वो तो गए थे रस्सियां लेने के लिए, लेकिन वो रस्सियों के साथ कुशन भी लेके आए बैठने के लिए और एक थर्मस में गर्म चाय लेके आए और लंच लेके आए, ये बहुत सारी चीज़ों को साथ में लेके आए। वो इस प्रकार के व्यक्ति थे, वो सिर्फ एक चीज़ के बारे में नहीं सोचते थे, वो वहाँ जंगल में जिस चीज़ की भी आवश्यकता होती है उन हर चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि व्यक्ति को किस किस सामान की आवश्यकता पड़ सकती है। बहरहाल कॉर्बेट ने खाना खाया, चाय पी। इसी बीच एबर्टसन ने तिवारी को उस किल से 40-50 फीट दूरी पर एक पेड़ में चढ़ा दिया, सिर्फ इस बात के लिए कि टाइग्रेस को ये लगे कि कोई व्यक्ति वहाँ गया हुआ है और वहाँ पर मचान बन रहा है। और इस बीच जो मरे हुए व्यक्ति की बॉडी के रिमेन्स पड़े थे उसी के पास के पेड़ में एबर्टसन ने रस्सियां लगा के एक मचान बना दिया जिसमें कुशन्स वगैरह लगा दिए। उसके बाद करीब 4 बजे कॉर्बेट कंफर्टेबली उस सीट में बैठ गए तो एबर्टसन ने तिवारी को साथ में लिया और चल पड़े कैंप की ओर। तो कॉर्बेट कहते हैं कि एबर्टसन और तिवारी को गए हुए कुछ ही समय हुआ था, यानी कि उनकी आवाज़ चलने की अब भी सुनाई दे रही थी कि उन्हें एक
काकड़ की बार्किंग कॉल सुनाई दी। तो वो बड़े खुश हुए, उन्हें ये लगा कि उनका लक जितना उन्होंने सोचा था उससे ज्यादा काम करने लगे। टाइगर्स वापस आने लग गई किल पर। उसके बाद उन्होंने कुछ देर में जिस पेड़ में वो बैठे थे उसके ऊपर पहाड़ी में झाड़ियों से कुछ हैवी बॉडी के मूवमेंट की आवाज सुनी। थोड़ी देर बाद उन्हें एक दूसरी अलार्म कॉल सुनी और वो उनसे कुछ दूर थी, यानी कि टाइग्रेस इस किल पर वापस नहीं आ रही थी बल्कि वो आइवर्सन और तिवारी के पीछे चल रही थी। तो जब ये रियलाइज हुआ कॉर्बेट को, कॉर्बेट कहते हैं कि मुझे एक तरह से फीवर आ गया, मैं बहुत ज्यादा उतावला हो गया और समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करूं। उनको ये लगा था कि आइवर्सन ने जब पहली काकड़ की आवाज सुनी मेरी तरफ तो उसने एज्यूम किया होगा कि टाइग्रेस किल की ओर जा रही है, और इस एजम्पशन में अगर उसने अपने प्रिकॉशंस ढीले कर दिए तो ये बड़ी खतरनाक बात हो जाएगी। तो बहरहाल कॉर्बेट कुछ कर नहीं सकते थे, वो पेड़ में वेट करते रहे। उसके बाद टाइम टू टाइम वो अलार्म कॉल सुनते रहे, पर एक घंटे बाद उन्होंने नीचे वैली में जो कि उनसे काफ़ी दूर था वहाँ जाके अलार्म कॉल सुनी थी। टाइग्रेस जो कि उन्होंने दूसरे दिन देखा था उसके पग मार्क से तिवारी और आइवर्सन के पीछे आई थी टाक गांव तक, उसके बाद टाक से लेके कैंप तक जो कि सिम गांव में था, टाक से आइवर्सन ने अपने आदमी और अपनी वाइफ को कलेक्ट किया था और उनको लेके वो सिम गए थे। तो टाइग्रेस ने वहाँ तक उनका पीछा किया था। फॉर्चुनेटली कोई और दुर्घटना नहीं हुई। तो कॉर्बेट कहते हैं कि अब टाइग्रेस के वापस आने के कोई चांस नहीं थे, लेकिन कोई रिमोट चांस भी था तो उसे भी वो खोना नहीं चाहते थे, इसलिए वो पेड़ में बैठ गए, बैठे रहे। कहते हैं रात को दो पोर्क्यूपाइन चलते हुए आए, दौड़ते हुए वो इस मरे हुए व्यक्ति के पास में आए, कुछ देर वहाँ पर घूमते रहे, उसके बाद उन्होंने अपनी जर्नी कंटिन्यू की। क्या उसके बाद कुछ देर में उन्होंने एक देखा कि एक जानवर चल रहा है जंगल में, और काफ़ी देर तक जब वो चलता रहा तो उन्हें यह पता चला कि वो एक भालू है जो कि अपनी मुंह को उठा के सूंघ रहा है, और उसे कुछ ऐसा लग रहा है कि वो कुछ कन्फ्यूजन में है, उसे ब्लड की स्मेल आ रही है, इंसान की स्मेल आ रही है और टाइगर की भी स्मेल आ रही है। तो इस स्मेल से वो बड़ा कन्फ्यूज है, इसलिए वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए निकला पड़ा है। तो चलते चलते वो आज के पास में पहुंचा, तो उससे कुछ दूर पे, उससे कुछ दूरी पे आके पहले वो बैठ गया, उसके बाद उसने अपने पिछले पैरों पे खड़े होके एक जोर की चीख निकाली। उसके बाद वो बोल्डली चला और उस लाश के पास में जाके उसे सूंघने लगा। कॉर्बेट कहते हैं कि मैंने अपनी राइफल निकाली और उस पर निशाना लगा दिया। क्या इससे पहले मैंने सिर्फ एक बार एक भालू को इंसान का मांस खाते हुए देखा है, और शायद यह दूसरा एक्सेप्शन बनने जा रहा है, तो इसीलिए उन्होंने अपनी राइफल उस पर पॉइंट कर दी। लेकिन कॉर्बेट कहते हैं कि उसने उस मरे हुए व्यक्ति को सूंघा, उसके बाद वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करता रहा। इसके बाद रात में और कोई घटना नहीं हुई। सुबह जब उजाला हुआ तो आइवर्सन आया
और उसके साथ में जिस व्यक्ति जो ये व्यक्ति मरा हुआ है उसके भाई और रिश्तेदार आए और वहाँ वो उसकी बॉडी के लिए अर्थी बना के लेके आए थे। उसमें उन्होंने एक साफ सुथरे कपड़े में उस व्यक्ति के रिमेन्स को लपेटा और शारदा नदी पर क्रेमेशन के लिए लेके गए। तो कॉर्बेट कहते हैं कि आइवर्सन उनके लिए चाय और नाश्ता पानी लेके आया था। उन्होंने पेड़ से उतरे और चाय भी और उसके बाद आइवर्सन के साथ कैंप में वापस लौट गए। तो दोस्तों ये था टाक मैनिटर स्टोरी का पार्ट 1। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगला पार्ट यहीं से शुरू करेंगे और जल्दी ही उसे लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।